और चले सीधे रुक करते हैं लोकसभा का, जहां इस वक्त सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी बात रख रहे हैं। और अपने तलवार की धार से दुश्मनों को झुकाया और भगाया, समझ मोदय। लेकिन इस बिल की आड़ में जो दिल्ली सरकार है हमारी, इसमें सवालिया निशान ये बन गया कि प्रतिबद्धता को लेकर जो दावे कर रहे खोखले नजर आए। जब देश में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार अपराध, देश में बेरोजगारी, सेना पर जैसे मुद्दों पर जनता आपकी सरकार में सवाल खड़े लगे, उन मुद्दों को गौण करने के लिए आप ये बिल लेकर आ गए। और यदि वास्तव में आपको महिलाओं के आरक्षण को देना चाहते थे तो 14 से एनडीए की सरकार बनी, आज 9 वर्षों से अधिक समय होगा, इस वर्षों में आपको महिला आरक्षण का विषय कैसे याद आया, आपकी क्यों नहीं रहा, इसके बारे में भी देश की जनता आपसे जानना चाहती है। सर्वोच्च न्यायालय विधेयक में लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण जुड़े बिंदु में पढ़ रहा था, मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अगर आपकी क्या मंशा। हमारी मांग है कि आरक्षण रूपी हक को मद्देनजर उचित प्रत्युत देने का क्लोज रखा जाए। आप जब इस बात पर भी सरकार की मंशा के बारे में बताएं। साल 2010 में अरुण जेटली जी जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और सदन से महिला आरक्षण बिल के पास होने पर उन्होंने इसे अपने लिए गर्व और सम्मान का ऐतिहासिक, विदेश मंत्री स्वर्गीय लोकसभा विपक्षी नेता थी।